ही इज गोइंग टू पार्क, इसका मतलब क्या है? वो पार्क जा रहा है. ही वॉज गोइंग टू पार्क, वो पार्क जा रहा था. ही गोज टू पार्क, वो पार्क जाता है. मतलब हम उसके रूटीन की बात कर रहे हैं कि वो जाता है. तीनों सेंटेंसेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब बदल गया है बिल्कुल? इज वाज एंड गोज, ये सब क्या है? हमारी वर्ब है. वर्ब एक ऐसी चीज है इंग्लिश में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्ब की हेल्प से ही हमें पता चलता है हमारे सेंटेंस को जो हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम का समय क्या है. तो अगर इंग्लिश में वर्ब को सीख लिया पूरी इंग्लिश आपके हाथ में होगी. हमारे पास तीन तरह की वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मोडल वर्ब. इन तीनों वर्ब को एक बार ध्यान से पढ़ लो, एक बार ध्यान से सीख लो, कभी भी इंग्लिश में कहीं पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी और पूरी इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल पाओगे. अब इज गोइंग, जब भी हमने इज गोइंग लगाया मतलब वो काम अभी हो रहा है. ही इज गोइंग टू पार्क, वो अभी जा रहा है. जब मैं बोल रही हूँ उसी टाइम पे वो काम हो रहा है. ही वॉज गोइंग टू पार्क, वॉज का मतलब है कि वो काम पास्ट में हो रहा था. ही वॉज गोइंग टू पार्क, पास्ट में किसी एक टाइम में वो ये काम कर रहा था. ही वॉज गोइंग टू पार्क. ही गोज टू पार्क, जब भी हमने अपनी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया इसका मतलब है हम वहां पर किसी के रूटीन की बात कर रहे हैं. ये हमारी एक्शन वर्ब है. एक्शन मतलब कोई काम वहां पर हो रहा है. तो हमने जब बोल दिया ही गोज टू पार्क, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ दिया, तो हम उसकी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पार्क जाता है. तो इस तरह से एक बार वर्ब्स को समझ लिया ना तो बहुत आसानी से सारे सेंटेंसेस खुद ब खुद बना पाओगे और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी आपकी इंग्लिश में.